बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सेवा राइस बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 3 ग्लास राइस है, 30 मिनट इनको भिगो लिया है, 6 ग्लास वाटर इसके बीच में, ये 1 ग्लास और डाल लेते हैं। 3 ग्लास राइस है तो उसमें 6 ग्लास वाटर डालेंगे और 1 ग्लास जो वाटर है ये पकने में यूज़ हो जाएगा। चिकन की बोन है ये डाल लेते हैं। बोन निकाल लेते हैं। कुकिंग ऑयल, ऑनियन, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक, क्यूमिक सीड 2 टेबलस्पून, ब्राउन कार्डमम, लौंग, बेलीव्स, शाही जीरा 1 टीस्पून, टमाटर, ग्रीन चिली पिसी हुई 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। ये चिकन की चटनी डाल लेते हैं। साल्ट 2 टेबलस्पून, चावल डाल लें, इनको मिक्स करें, कवर करके हाई हीट पे 5 मिनट इनको पका लेते हैं। इनको मिक्स करें। लो हीट करके 20 मिनट दम पे पका लेते हैं। इनको मिक्स करें। इनको निकाल लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट फ्राई करना है। इनमें से निकाल लेते हैं जो फ्राई हो गए हैं। चिकन की मैरिनेशन करनी है और इसको ठंडा कर लेना है। साल्ट 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक 1/2 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 2 टीस्पून, फ्रेश लेमन जूस, योगर्ट, कॉर्नस्टार्च 2 टेबलस्पून। इनको मिक्स करें। मैरिनेशन करके 1/2 आवर रख लेते हैं। ओवन में बेक कर रहे हैं तो कॉर्नस्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको फ्राई कर रहे हैं तो कॉर्नस्टार्च डालें। चिकन को फ्राई कर लेते हैं और उसी ऑयल में फ्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले चिकन को फ्राई किया है। जब इनकी 1 साइड गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर लें। इनमें से जो फ्राई हो गया उनको निकाल लेते हैं। 7 मिनट फ्राई किया है। 2 आवर पहले इनको भिगो लिया है। साबा स्पाइस ले लिए। इनको अगर ऐसे ही डाल लेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। इनको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे फिर इनका पाउडर बना लेंगे।
बे लीव्स ले लिए, सूखा धनिया साबत 1/2 टेबल स्पून, पेपरकॉर्न लौंग, सफ़ेद ज़ीरा साबत 1 टेबल स्पून, शाही ज़ीरा काला ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी की 2 स्टिक, ब्लैक कार्डमम, लो हीट रखनी है। ये सब इसमें डाल लेते हैं, 1 मिनट इनको पका लेते हैं। चने की दाल, इसको दोबारा वॉश कर लिया है। मीट को भी डाल लेते हैं, गार्लिक जिंजर भी डाल लेते हैं, ऑनियन, साल्ट 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, ये पेपर भी डाल लेते हैं। जो स्पाइस अभी पीसे हैं ये डाल लेते हैं 1/2 टेबल स्पून, बाकी जो है बाद में यूज़ करेंगे। ये वाटर इसमें डाल लेते हैं, इनको मिक्स करें। इनको इतनी देर पका लेते हैं ये फुल कुक हो जाए। हीट बंद कर लिए, इसके बीच में प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कुकर खोल लेंगे। मीट फुल कुक हो गया है, हीट तेज करके इसको पका लेते हैं। लो हीट पे इनको पकाना है और मसलसल मिक्स करना है, ये जल ना जाए। इनको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं कि ये ठंडा हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, ये ठंडा होके जो है सख्त हो जाता है, फिर कबाब बनाना जो है मुश्किल हो जाते हैं, इतना ही इनको रखना है। आप जब भी कबाब बनाएं तो आप जो है कीमे के कबाब ना बनाएं, कीमे के कबाब जो है अच्छे नहीं बनते, वो सॉफ्ट और बाद में वो टूट भी जाते हैं फ्राई करते वक्त। आप जो हैं बोटी लेके कबाब बनाएं, चाहे आप चिकन के बना रहे हैं, बीफ के या मटन के। 40 मिनट में ये पक के रेडी हो गया है। इनको इसमें कूट लेते हैं, रेशेदार कबाब बना रहे हैं तो इसमें कूटें, अगर मशीन में अगर आपने करना है तो आप कर लें। ये जब हल्के गर्म हो तो इनको पीस लें, बहुत ज़्यादा ठंडा करके करेंगे तो नहीं होगा। मिंट्स, हरा धनिया, ग्रीन चिली, ऑनियन, वो मसाले जो पीसे थे इसमें डाल लेते हैं। अजवाइन 1 टीस्पून, जिनके चने की दाल खाने से पेट में दर्द होता है वो। 1 एग, एग डालने से बेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इनको मिक्स करें, ये सब चीज़ें डाल के 2 मिनट्स इनको मिक्स करना है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, ऑनियन जो है जब ये ठंडा हो जाए तब डालें, अगर ये गर्म होगा तो इनसे वाटर निकल आएगा और कबाब टूट जाएंगे। कबाब बना लेते हैं, इनको हाथों में लें, ऐसे इनको दबाएं। ऐसे राउंड करें हाथ पे, और हाथ से ऐसे नीचे प्रेस करें। फ्राई करना है, कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। एग ले लिए, इसको मिक्स कर लें। कबाब को इसमें डालें, अच्छे तरीके से कोट करके इसको पकड़ के रखें, एक्स्ट्रा निकल जाए। जब इनकी वन साइड गोल्डन हो जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर लेंगे। इनकी साइड चेंज करें,
इनमें से जो फ्राई हो गए हैं उनको निकाल लेते हैं। 7 मिनट में फ्राई हुए। शामी कबाब को हमेशा शैलो फ्राई करना चाहिए, इनको डीप फ्राई नहीं करते। जब सब फ्राई हो जाए तो हीट बंद कर लें। अगर पहले हीट बंद कर लेंगे तो इनके बीच में ऑयल चला जाएगा। इसमें जो है सिर्फ चिकन लेग यूज़ होते हैं और चिकन को राइस के बीच में डाल के नहीं पकाया जाता, और चिकन को राइस के ऊपर सर्व किया जाता है। ये बनके रेडी हो गए। आप अपने स्पाइस और राइस अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। अगर आपने इसको बीफ के शामी कबाब में नहीं बनाना तो आप चिकन के शामी कबाब में भी बना सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।